बंदर को भगवान हनुमान का रूप माना जाता है, लेकिन कभी कभी ये इतने खतरनाक हो जाते हैं कि लोगों को लहूलुहान कर देते हैं। बांका से एक ऐसी ही खबर सामने आ रही है जहां बंदरों का आतंक इस कदर है कि लोग अपने घरों में कैद होकर रहने को मजबूर हैं। दिन में भी किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो अपने घर के बाहर आए। बांका जिला स्थित बिल्किता नामक गांव में ग्रामीण बंदरों के आतंक से पूरी तरह हताश हैं। एक तरफ बंदर जहां खेती उजाड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दौड़ दौड़ कर लोगों पर हमला कर उन्हें लहूलुहान कर दे रहे हैं। बंदरों के झुंड में दो बंदर आदमखोर जानवर की तरह व्यवहार कर रहे हैं। करीब 7,000 की आबादी वाले इस गांव में अब तक लगभग 36 से भी अधिक लोगों को बंदरों ने घायल कर दिया है। बंदर हर दिन 2 से 3 लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आलम यह है कि ग्रामीणों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। बंदर घरों की छत पर जाकर लोगों पर हमला करने लगे हैं। अब हालात यह है कि ग्रामीण दिन में भी घरों में कैद होकर भय के साये में जीने को मजबूर हैं। अपने बचाव के लिए ग्रामीण लगभग 1 सप्ताह से जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि यहाँ के विधायक बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। इसके बाद भी लोगों की सुरक्षा पर अब तक किसी की भी नजर नहीं गई है।